बच्चों, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़। आज मैं कुछ बच्चों की हमारे पे रिक्वायरमेंट आ रही थी बार बार कि सर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर एक वीडियो डाल दें, तो आज उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें अगर हम यूपीएससी का एग्जाम दें 2022 पीटी प्रीलिम्स जो होने वाला है, या उत्तराखंड पीसीएस दे या यूपी पीसीएस दे या कोई भी एग्जाम दे ग्रुप सी वगैरह तक भी, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों पर टॉपिक लेके आया हूं, और वो टॉपिक है, आइए जानते हैं हमारा जो क्या टॉपिक है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और लद्दाख। आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो संशय है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आज की क्लास करने के बाद। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक इसका जम्मू कश्मीर का इतिहास जान लेते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी अपने आप में, ये आपको भी पता होगा। तो जम्मू कश्मीर के उस समय जो राजा थे वो थे हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह ने एक अलग देश बनाने की और स्वतंत्र रहने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो उस समय जो देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था भारत में, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे देसी रियासत मंत्रालय के, जो देश की देखरेख में किया गया था, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात भी उन्होंने इग्नोर कर दी थी और कहीं ना कहीं अपनी जिद पे ही अड़े रहे थे। तो उसी का परिणाम था जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, तो वो तो अपना स्वतंत्र थे, भारत का तो कोई उस पर अधिकार ही नहीं था उस समय। तो उसी चीज को देखते हुए, उसी चीज का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने, जो आज पाक अधिकृत कश्मीर है, तो पाकिस्तान ने अपना कब्जा करने की कोशिश कर ली जम्मू कश्मीर पर। तो जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया और उसकी सेना आगे बढ़ती चली गई कंटिन्यूटी के साथ, तो वहां के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनसे सहायता की रिक्वायरमेंट की, क्या आप हमें सहायता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी बात को थोड़ा सा इग्नोर किया, क्योंकि उन्हें कहा कि हम आपको एक चीज पे सहायता देंगे, एक शर्त है हमारी, कि वो क्या, कि हमारी ये शर्त है कि आप ये लिख के देंगे हमें कि अगर हम आने वाले फ्यूचर में या कहीं कभी भी शामिल होंगे तो वो हम भारत में शामिल होंगे। तो उस समय राजा हरि सिंह के सामने तो मजबूरी आ गई, तो उन्होंने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, या समझौता पत्र कह लीजिए, और ये जवाहरलाल नेहरू जी की बात मानी। तो इसे ही आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, चलिए वहां उसके बाद क्या हुआ। तो वहां पर अनुच्छेद 370 और धारा 35A, धारा 35A का जो संबंध था वो जम्मू कश्मीर से था, क्योंकि इसके तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा देकर वहां पर विशेष सुविधा जारी की गई थी। तो याद रखना, अनुच्छेद 370 और धारा 35A का जो संबंध था वो जम्मू कश्मीर से था। इसके बाद इसका जो उल्लेख था जम्मू कश्मीर का, वो संविधान के भाग 21 में उल्लेख है। और इसके बाद जम्मू कश्मीर का भारत में जो विलय किया गया था, यहां से क्वेश्चन बढ़ सकता है एग्जाम में, तो वहां के राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद, तो इस समय भारत के जो पीएम थे, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू जी, उनके मध्य दोनों के समझौता हुआ था इस चीज में कि हम आने वाले समय में भारत का हिस्सा रहेंगे। उसी के परिणाम स्वरूप भारत ने जम्मू कश्मीर की हेल्प की थी, और पाकिस्तानी की जो सेना थी उस समय उसे पीछे हटाया था, और कुछ क्षेत्र ऐसा था जो उसके कब्जे में रह गया था। तो उसी के बाद 26 अक्टूबर 1947 में ये जो है आपका विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, 17 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 विशेष राज्य का दर्जा को लागू कर दिया गया था। तो
तो विशेष राज्य का दर्जा कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 1947 को अनुच्छेद 370 लागू किया गया था जम्मू कश्मीर। इसके बाद दूसरा पॉइंट बन सकता है धारा 35 कब लागू की गई जम्मू कश्मीर में, तो धारा 35 14 मई 1954 को लागू की गई थी। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां तक आपके समझ में आ गए, नहीं तो एक बार और देख लीजिए, धारा 370 अनुच्छेद 370 और धारा 35 का संबंध किस राज्य से? जम्मू कश्मीर। किस भाग में लेके? 21 में। इसके बाद जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय किया गया था वो वहां के राजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन जो पीएम थे उस समय के, उनके द्वारा समझौते पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 में जो हस्ताक्षर हुए थे उसी के द्वारा वो किया गया था। जम्मू कश्मीर में धारा अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और उसी के तहत अनुच्छेद 35A 14 मई 1954 को लागू किया गया था और उस समय भारत के तत्कालीन जो पीएम वो थे राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो 2019 में घटनाक्रम हुआ आपने देखा कि राज्य के बाद उसे यूटी का यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया केंद्र शासित प्रदेश का। तो ये था 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश कब बना जम्मू कश्मीर? 5 अगस्त 2019। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था और जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया था हम लोगों ने। एक तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं वर्तमान में, क्लियर, और एक है लद्दाख। लद्दाख में दो जिले हैं, एक तो लेह और एक कारगिल, क्लियर है यहां तक के? फिर दोबारा बतला रहा हूं, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, क्लियर। केंद्र शासित प्रदेश 5 अगस्त 2019 को बना दिया गया जम्मू कश्मीर, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक तो आपका लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। लद्दाख में आपके दो जिले हैं वर्तमान में, एक तो लेह एक कारगिल, जम्मू कश्मीर में 22 जिले। इसके बाद क्या हुआ? विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया 5 अगस्त 2019 को, आपने देखा, क्योंकि जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद भारत में केंद्र शासित 5 अगस्त 2019 के बाद भारत में 28 राज्य रह गए और जो पहले सात पहले जो राज्य थे 29 होते थे इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पहले, वर्तमान में 28 है, क्लियर, और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे जो वर्तमान में 9 हो गए, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बन गया और एक आपका लद्दाख हो गया। तो यहां तक ये घटनाक्रम था आपका। इसके बाद देखते हैं आगे, देखिए इसके बाद जो हमारा जम्मू कश्मीर पर पॉइंट रहता है वह है 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत का सबसे बड़ा जिला, 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत का सबसे बड़ा जिला तो वो है आपका लेह। लेह बन गया है, पहले स्थान पे आ गया है लेह। और पहले कच्छ होता था, मैं आपको बतला दूं, कच्छ होता था प्रथम स्थान पे, लेकिन जब से ये पुनर्गठन हुआ जम्मू कश्मीर का तो उसके बाद कच्छ दूसरे स्थान पे चला गया और लेह पहले स्थान पे आ गया। भारत का सबसे बड़ा जिला अब लेह बन गया और दूसरा आपका कच्छ हो गया। और सबसे छोटा जिला अगर आपको पूछे तो वह है आपका माहे। तो यहां तक आप पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका लद्दाख। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। सबसे बड़ा पूछे क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख, और सबसे छोटा पूछे तो आपको आ जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट,
भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या और क्षेत्रफल, याद रखना मैंने आपको बताया भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या में और क्षेत्रफल में दोनों में छोटा है वह है आपका लक्षद्वीप। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा सबसे छोटा है, वह है आपका लक्षद्वीप। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा जम्मू कश्मीर की सीमा, अगर क्वेश्चन आ जाए दो राज्यों से लगती है आप, एक तो हिमाचल प्रदेश से और एक पंजाब से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तो आप याद रखना जम्मू कश्मीर की जो सीमा है दो राज्यों से लगती है, एक तो हिमाचल प्रदेश और एक पंजाब, और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, वो केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उस केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर की सीमा, दो राज्यों से एक केंद्र शासित प्रदेश से। नेक्स्ट है लद्दाख, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखना लद्दाख से, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका दिल्ली, और जनघनत्व में भी दिल्ली का ही प्रथम स्थान है, ये क्वेश्चन आपको मैं जनगणना 2011 में पढ़ाऊंगा। इसके बाद सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। क्लियर है पॉइंट यहां तक के? एक बार फिर बतला रहा हूं, जम्मू कश्मीर की सीमा दो राज्यों से लगती है, एक तो हिमाचल प्रदेश और एक आपका पंजाब, और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, वो लगती है आपकी लद्दाख से। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? और एक जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, और जनघनत्व में भी दिल्ली, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। इसके बाद किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, एक तो दिल्ली है, एक जम्मू कश्मीर है और एक पुडुचेरी, पांडिचेरी का नया नाम है पुडुचेरी, तो यहां तीनों में विधानसभा है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान जो उपराज्यपाल है या राज्यपाल है कुछ भी कह लो, ब्रैकेट में लिख देता हूं उपराज्यपाल, वह है आपके मनोज सिन्हा। इन्होंने 7 अगस्त 2020 को अपना कार्यभार संभाला था, पद ग्रहण किया था मनोज सिन्हा ने, तो आप याद रखना ये जम्मू कश्मीर की इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हम चलते हैं लद्दाख पे, देखो इसके बाद हम लद्दाख के बारे में जान लेते हैं, तमाम जो लद्दाख के बारे में विशेष है, तो दो टॉपिक है आज की हमारी क्लास में, जम्मू कश्मीर कंप्लीट है और अब लद्दाख के बारे में जानते हैं। देखिए लद्दाख क्या है, लद्दाख का अगर गठन पूछा जाए एग्जाम में, तो लद्दाख का जो गठन हुआ था वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, जो पुनर्गठन की डेट है वही लद्दाख के गठन की डेट है, आप इतना ध्यान रखना बस। तो लद्दाख का गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, कितने जिले हैं लद्दाख में, दो जिले हैं, एक तो है आपका दो हो गए लेह और एक है कारगिल। क्लियर है पॉइंट? तो याद रखना जो लेह है वो भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। क्लियर? और इसका वासी नाम क्या है, वासी मतलब जो वहां रहने वाले लोग हैं उन्हें कहते हैं लद्दाखी, तो उनका वासी जो नाम है वो है आपका लद्दाखी। अगर क्वेश्चन आपका लद्दाख की आधिकारिक भाषा आ जाए, वहां की जो भाषा है क्या है, तो एक तो है हिंदी, एक है आपकी लद्दाखी, एक है आपकी तिब्बती, तो आधिकारिक भाषा लद्दाख की तीन है, हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती, क्योंकि तिब्बत के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसी में पड़ता है। पशु, यहाँ का जो पशु है वो है हिम तेंदुआ, याद रखना लद्दाख का जो पशु है वो है हिम तेंदुआ, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा अंसिया, तो लद्दाख का जो पशु है वो है हिम तेंदुआ पैंथरा अंसिया। इसके बाद यहाँ का जो पक्षी है वो है सारस, और कौन सा सारस है, क्योंकि सारस की कई प्रजाति पाई जाती है, काली गर्दन वाला सारस है, आप याद रखना सारस काली गर्दन वाला, और इसका वैज्ञानिक जो नाम है वह है ग्रास निग्रोकोलिस, ग्रास निग्रोकोलिस। यहां के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर, तो लद्दाख के वर्तमान राज्यपाल से अगर क्वेश्चन आ जाए राधा कृष्ण माथुर। इसके बाद ये काली गर्दन वाला सारस अगर पूछ ले कहां पर पाया जाता है लद्दाख में, तो एक लद्दाख का च्यांग, च्यांग यांग क्षेत्र है लद्दाख में,
तो ये वहां पाया जाता है च्यांग यांग क्षेत्र में लद्दाख। क्लियर। लद्दाख से तीन देशों की सीमा लगती है, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो चाइना, एक आपका पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो लद्दाख से तीन देशों की सीमा लगती है और एक राज्य की सीमा लगती है, वह है आपका हिमाचल प्रदेश। तो लद्दाख से, लद्दाख की सीमा एकमात्र राज्य से लगती है हिमाचल प्रदेश, और तीन देशों से लगती है, याद रखना तीन देश कौन कौन से, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये था आपका आज की हमारी क्लास, हमने इसमें दो टॉपिक कवर करे हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, एक तो आपका जम्मू कश्मीर है और एक आपका लद्दाख है। ये दो टॉपिक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए, ऑल ओवर एग्जाम, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो। आगामी जो एग्जाम है, आगामी जो परीक्षा है, तो उनमें पूरी पूरी संभावना बनती है इस तरह के टॉपिक से, जो हमारे चर्चा टॉपिक होते हैं, चर्चित टॉपिक होते हैं, कि वहां से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में उठाता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोगों ने अगर हमारे बिना इस कैंपस के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे और हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ, रात दिन किया हुआ है उन्होंने, उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।